Of class was for y'all. I hope y'all are happy and friends. Friend, this is your computer class, and today we will discuss about mouse. आज हम chapter number 4 start कर रहे हैं, इसमें अच्छे से हम read out करेंगे, तो सभी available students open your book and reading with me, okay? The computer mouse. क्या है computer mouse instrument? Last time we studied chapter number 3. उसमें हमने chapter number 3 में computer के main parts के बारे में पढ़ा था. कौन कौन से main parts थे computer के? CPU, mouse, monitor, ना? पढ़ा था ना उसके अंदर board, ये सब क्या थे उसके main parts थे. तो आज हम उसमें से mouse जो उसका main parts है उसका आज हम अच्छे से अलग से read करेंगे chapter number 4 में. तो चलिए start करते हैं. The computer mouse. Look at the mouse. It has children. As we know, a computer mouse is part of the computer. जैसे कि आप सभी जानते हैं बच्चों, computer का main part होता है computer. Parts है ना computer का. Mouse. It is different from a house mouse. ये बिल्कुल अलग होता है घर में पाए जाने वाले mouse से, मतलब rat से. Mouse जो rat होता है, चूहे जो होते हैं उनको mouse भी बोलते हैं. तो ये उनसे पाए जाने जो घरों में जो माउस पाया जाता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन इसकी शेप उससे कुछ कुछ मैच करती है, कुछ मैच करती है, जिसकी जो बनावट है माउस की बिल्कुल ऐसी होती है. पार्ट्स ऑफ अ माउस. लुक एट द माउस. इट हैज टू बटन लेफ्ट एंड राइट एंड अ स्क्रॉल व्हील ऑन इट. इट हैज अ लॉन्ग टेल वायर विच कनेक्ट द माउस टू द सीपीयू. Nowadays we also have wireless mouse. Look at the mouse. Mouse को देखिए. It has two buttons. इसके two buttons हैं. एक left है, एक right है. देखिए, एक left button है, एक right button है ना यहाँ पर. It has a long tail wire which connect to the mouse. Sorry, यहाँ से पढ़ेंगे. A scroll wheel on it. बीच में एक scroll, एक circle है बीच में. ये क्या है? Scroll wheel बोलते हैं इसको. जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, स्क्रॉल व्हील स्टूडेंट. इट हैज अ लॉन्ग टेल वायर विच कनेक्ट टू विच कनेक्ट्स द माउस टू द सीपीयू. एक लंबी इसकी पूंछ है जिसको उन्होंने टेल बोला है. ये है वायर, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया यहाँ पर? टेल भी बोल दिया, लेकिन है क्या? ये वायर है इसकी, ये देख रहे हो ना आप, वायर है इसका. ये जो कनेक्ट होता है किससे? सीपीयू से कनेक्ट होता है. ये किससे कनेक्ट है स्टूडेंट? ये कनेक्ट है आपका सीपीयू से. Nowadays we also have wireless mouse. लेकिन अब जो माउस आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें बिना वायर का माउस आ रहा है. वो बिना वायर के ही कनेक्ट हो जाता है. पहले ऐसे माउस आते थे जिसमें वायर लगी होती थी, लेकिन अब जो चल रहे हैं मॉडर्न जो माउस आए हैं अभी टेक्नोलॉजी ने जो इन्वेंट किए हैं, तो वो कैसे हैं? बिना वायर के हैं. बिना वायर के वो कनेक्ट हो जाते हैं. द माउस इज यूजली कैप्ट ऑन अ क्लीन रबर पैड टू मूव इट इजिली. जो माउस होता है वो किस पर रखकर काम करता है? और अच्छे से एक पैड होता है, ये माउस पैड बोलते हैं. देखा भी होगा आपने इस कंप्यूटर, अगर आप साइबर कैफे गए हो या फिर कहीं भी आपने कंप्यूटर रखा हुआ देखा है, तो आपने देखा होगा माउस के नीचे ही रखा होता है पैड. इससे क्या होता है? अच्छे से मूव हो जाता है हमारा माउस. तो इसको बोलते हैं रबर पैड. ये माउस पैड है, ओके स्टूडेंट्स. ये रबड़ का बना होता है. द माउस इज यूजली कैप्ट ऑन अ क्लीन रबर पैड टू मूव इट इजिली. तो माउस यूजली जो रखा होता है वो इसके ऊपर रखा होता है आपको, जैसे आप भी आपको पिक्चर. द माउस हेल्प अस टू. क्या क्या माउस हेल्प करता है हमारी? पॉइंट टू ऑब्जेक्ट द स्क्रीन. ये पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर. गिव कमांड टू कंप्यूटर. कंप्यूटर को कमांड देता है. ड्रॉ पिक्चर्स. पिक्चर्स ड्रॉ करता है. प्ले गेम्स. ये हम गेम भी प्ले कर सकते हैं. तो ये सारे काम कौन करता है? हमारा माउस करता है. किसमें? मॉनिटर में. ओके. मूविंग द एरो पॉइंटर. लुक एट द मॉनिटर व्हाइल मूविंग द माउस. जब भी आप माउस को मूव करें, जब भी आप माउस को चलाएं, तो आप स्क्रीन पर देखिए क्या होता है. डू यू सी अ स्मॉल एरो मूविंग. आपको दिखेगा कि स्मॉल एरो, छोटा तीर दिखेगा चलता हुआ कहाँ? ऑन द स्क्रीन पर. क्या आपने देखा है वो स्क्रीन पर चलते हुए? जब आप अगर माउस को हिलाते हैं, मूव करते हैं, तो आपको स्क्रीन पर कंप्यूटर की एक एरो दिखाई देता है. इसको बोलते हैं पॉइंटर, एरो पॉइंटर. आपने देखा है, आपने अगर कंप्यूटर चलते हुए देखा है, तो आपने जरूर देखा होगा एरो पॉइंटर को.
दिस इज द एरो पॉइंटर, इसे बोलते हैं एरो पॉइंटर। होल्डिंग द माउस, होल्डिंग द माउस स्टूडेंट्स कि हमें कंप्यूटर को कैसे होल्ड, कैसे पकड़ते हैं। तो स्टेप वन, थ्री स्टेप है इसके, वन बाय वन पढ़ते हैं। प्लेस योर पाम ऑन द टॉप ऑफ द माउस, अपनी जो हथेली है उसको टॉप पर रखना है, कहाँ, माउस के ऊपर। स्टेप टू, प्लेस योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट माउस बटन, अपनी इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट साइड रखनी है। कौन सा लेफ्ट साइड है आपकी, ये लेफ्ट साइड है, तो ये कौन सी इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट माउस बटन पर रखनी है। लेफ्ट माउस बटन है, लेफ्ट बटन है ये वाला। लेफ्ट बटन राइट, राइट बटन। ओके स्टूडेंट्स, दो बटन होते हैं लेफ्ट और राइट। तो हमारी जो इंडेक्स फिंगर है वो हमें कहाँ रखनी है, लेफ्ट बटन पर रखनी है, लेफ्ट माउस बटन पर। थर्ड स्टेप क्या है, प्लेस योर मिडल फिंगर ऑन द राइट माउस बटन, आपकी जो बीच की जो उंगली है, बीच की जो फिंगर है, वो आपको कौन से बटन पर रखनी है, राइट माउस बटन पर रखनी है, कहाँ, ये वाली राइट माउस बटन की तरफ रखनी है। इस तरीके से हम उसे होल्ड कर सकते हैं माउस को, तभी वो अच्छे से वर्क करेगा। यूजिंग अ माउस, हम कैसे यूज करते हैं माउस का, क्या यूज है। प्रेसिंग द बटन ऑन अ माउस इज कॉल्ड क्लिकिंग, जब हम प्रेस करते हैं माउस का बटन वो क्या कहलाता है, क्लिकिंग कहलाता है। व्हेन वी क्लिक द लेफ्ट बटन, जब हम लेफ्ट साइड लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं माउस के, कॉल इट लेफ्ट क्लिक और सिंपली क्लिक। फ्रेंड्स, जब हम कंप्यूटर को प्रेस माउस को जब प्रेस करते हैं, जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं क्लिकिंग। माउस जो प्रेसिंग द बटन ऑन द माउस, हम जब माउस के बटन को प्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लिकिंग करना। जब हम लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करते हैं तो उसको बोलते हैं सिंपली क्लिक, लेफ्ट क्लिक। व्हेन वी द राइट बटन ऑफ द माउस, व्हेन वी क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस वी कॉल इट राइट क्लिक, जब हम राइट बटन ऑफ द माउस, मतलब जब हम माउस के राइट बटन को क्लिक करते हैं तब हम क्या बोलते हैं, राइट क्लिक बोलते हैं। जब लेफ्ट साइड करेंगे तो लेफ्ट क्लिक बोलेंगे, राइट साइड करेंगे तो राइट क्लिक बोलेंगे। स्टूडेंट्स, चलिए, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन वंस एंड रिलीज इट, प्रेस करिए लेफ्ट माउस बटन को, छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए। यू कैन हियर अ क्लिक, आपको एक साउंड सुनाई आएगी क्लिक कर की, दिस इज कॉल्ड सिंगल क्लिकिंग। सिंगल क्लिकिंग किसको कहते हैं स्टूडेंट, अगर आप कंप्यूटर माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको क्लिक करें, उसको प्रेस करेंगे, उसको रिलीज कर देंगे तो आपको एक क्लिक की साउंड आएगी, तो उस क्लिक को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल क्लिकिंग बोलते हैं, मतलब एक बार क्लिक करना। प्रेस द लेफ्ट माउस बटन वंस एंड रिलीज इट, आपको सिर्फ एक बार प्रेस करना है और छोड़ देना है, तो आपको क्लिक की साउंड आएगी, तो उसको बोलेंगे हम सिंगल क्लिकिंग। ओके, सिंगल क्लिकिंग का क्या काम होता है, सिंगल क्लिकिंग सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर। तीन, सिंगल क्लिक करने से हम कंप्यूटर में जो स्क्रीन पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको चुन सकते हैं। सिंगल क्लिक करने से आप स्क्रीन पर जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वहां जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं सिंगल क्लिक करके। ओके, क्लिकिंग द लेफ्ट माउस बटन क्विकली इज कॉल्ड डबल क्लिकिंग, जब हम लेफ्ट माउस बटन से जल्दी से क्लिक करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डबल क्लिकिंग। डबल क्लिकिंग हेल्प्स टू ओपन अ विंडो, डबल क्लिकिंग क्या मदद करता है, विंडो को ओपन करने में मदद करता है। डबल क्लिकिंग से क्या करते हैं, किसकी डबल क्लिकिंग के हेल्प से हम ओपन करते हैं विंडो को। ओके, कीप द लेफ्ट माउस बटन प्रेस एंड मूव द माउस ओवर पैड, कीप द लेफ्ट माउस बटन, हमें पकड़ना है लेफ्ट माउस बटन को, अब प्रेस करना है एंड मूव द माउस ओवर द माउस पैड, और हमें क्या करना है, अपना जो रबर पैड है, जो उसका माउस पैड जिस पर रखा होता है माउस, उस पर हमें मूव करना है, उसे प्रेस करके माउस बटन को लेफ्ट वाले, उसे क्या करना है, उसे मूव
मूव करना है माउस को, ऊपर से जो उसका पैड है माउस पैड का, तो ये चीज करना क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड ड्रैगिंग द माउस, इसको बोलते हैं ड्रैगिंग। देखिए कर रहा है, माउस को पकड़ रखा है इसने, क्या कर रहा है वो, मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, ऐसे ड्रैगिंग कर रहा है, मूव कर रहा है वो, इसको बोलते हैं ड्रैगिंग। ड्रैगिंग से क्या होता है, ड्रैगिंग द माउस हैज टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कंप्यूटर स्क्रीन। क्या करता है ड्रैगिंग करने से, क्या होता है कंप्यूटर स्क्रीन पर जो एक सामान है वो दूसरी जगह चला जाता है, जैसे यहाँ रखा है, अगर वो ड्रैगिंग यहाँ से ड्रैगिंग कर रहा है तो वो ये सामान जो पेपर है वो सिलेक्ट होकर कहाँ, इधर चला जाएगा, वो इसकी जगह चेंज हो जाएगी ड्रैगिंग करने से। ओके फ्रेंड्स, यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से इसको चैप्टर को आउट करना है और अच्छे से पढ़ना है, और आपको क्या करना है, इसी सभी जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के आपको लिखना है, ये आपको मैंने अभी पीछे बताया था पिक्चर में, सभी आपको कुछ नेम लिखने हैं कंप्यूटर के पार्ट, माउस के पार्ट के आपको नेम लिखने हैं। ठीक, द माउस इज कनेक्टेड द सीपीयू, माउस कनेक्ट होता है सीपीयू से बाय वायर, वायर के द्वारा। द माउस हेल्प अस टू पॉइंट द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, माउस हेल्प करता है पॉइंट करने के लिए स्क्रीन पर, ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर। द माउस हेल्प अस टू गिव कमांड टू द कंप्यूटर, माउस कंप्यूटर को कमांड भी देता है। द माउस हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर, माउस से हम पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, अ स्मॉल एरो मूविंग ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड पॉइंटर, एक छोटा एरो जो चलता रहता है स्क्रीन पॉइंटर, क्या बोलते हैं पॉइंटर। सिंगल क्लिकिंग सेलेक्ट करता है एन ऑब्जेक्ट को, सिंगल क्लिक करने से क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। डबल क्लिकिंग हेल्प करता है टू ओपन अ प्रोग्राम, डबल क्लिक करने से कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रोग्राम ओपन हो जाता है, जो भी विंडो है वो जाती है। ड्रैगिंग द माउस हेल्प्स टू मूव ऑब्जेक्ट, ड्रैगिंग करने से क्या होता है, अगर माउस को हम ड्रैगिंग करते हैं तो जो कम उस पे स्क्रीन पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, मूव हो जाता है, कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, उसको ड्रैगिंग करने सेलेक्ट करके अगर ड्रैगिंग करते हैं। ठीक, तो चलिए, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है, हमें क्या करना है, चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना है और अच्छे से समझना है। ओके फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। आपको स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी भी देखी हुई है, ये भी आप खुद ही करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है क्या लिखा है, ये बटन लिखा है, क्या लिखा है ये भी आपको सही करके लिखना है, एरो लिखा है ये AR ORW RR O क्लिक, CIC क्लिक, ये आपको करके लिखना था। फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से वीडियो कंप्लीट हो गई है, आपको इसको अच्छे से रीड आउट करना है और इसमें आपको अच्छे से समझना भी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।